तो यार अभी जस्ट यहाँ पे हमने एक बहुत अच्छी प्लेस डिस्कवर की है, मतलब ऑलरेडी की बट अभी पता चल रहा है। फोटो वॉक में पहले भी आ चुके हैं एंड बट ये पहली बार देखा है पुरानी हवेली, एक गली में घुस गए यहाँ पे। सो हेलो गाइज, यू आर वॉचिंग माई चैनल प्रथम एरीना, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। सो गाइज, आई एम बैक विद ए न्यू वीडियो एंड यार ये वाला टाइटल आपने पढ़ी लिया होगा। यस गाइज, दिस इज अ फोटो वॉक ऑफ माई सोसाइटी इल्यूमिनाटी। फिलहाल हम लोग अभी जा रहे हैं चांदनी चौक, तो मैं बस अभी घर से निकला हूँ, जल्दी से चांदनी चौक पहुँचते हैं एंड आपको अच्छे से दिखाते हैं चांदनी चौक वापस एक बार। एंड अभी बीच में हमारी फोटो वॉक हुई नहीं है क्योंकि न्यू बच्चे आए थे, उनके एग्ज़ाम थे फर्स्ट ईयर्स के, अब वो सेकेंड ईयर में आ गए एंड मतलब वही न्यू एडमिशन था, तो उनको पहले फोटो वॉक से पहले हमको वर्कशॉप देनी पड़ती है, वो हो गई है इसलिए अब फोटो वॉक हो रही है। एंड अब कंटिन्यूसली होगी हर महीना एक दो, तो व्लॉग उसके आएंगे। तो चलो फिलहाल तो चलते हैं एंड आपको आगे मिलते हैं। तो बस यार अभी बस में पहुंच चुका हूँ, मैं बस में बैठ गया हूँ, फर्स्ट टाइम बस से जा रहा हूँ मैं ऐसे। मैंने सोचा बाईपास से चला जाता हूँ, मेरे पास तो है ही, तो यहीं से चले जाते हैं, देखते हैं। मेरे को अच्छे से तो पता नहीं है कैसा होगा बट देखते हैं। तो यार चेंज इन प्लान, मैं जा तो बस से रहता यार बट मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि पहली बार जा रहा था, तो मैं उतर गया हूँ। अब विधानसभा से चलते हैं, नियरेस्ट दिख रहा था मेरे को तो मैं विधानसभा में उतर गया। अब बस अब सुबह से वी हैव रीच्ड, ये बैठे अपने मेंबर्स। हेलो चैनल, वेलकम टू माय गाइस। हेलो लेट। हेलो, ये मेरा दोस्त कार्तिक। साइट के लिए बना रहे हो आप ऐसा मरीना? तो अभी यार वी आर बिटवीन द गलियाँ, मतलब यहाँ पे हम लोग अब गली में घूम रहे हैं। दो ग्रुप्स बांट लिए हैं, हर ग्रुप में एक वीडियो वाला है, एक DSLR वाला है, तो वही क्योंकि सबके पास DSLR होते नहीं है तो ऐसे बांट बांट करके हो जाता है काम। फिलहाल वो आ रहे हैं बस पीछे वाले लोग एंड अब आगे चलते हैं, आगे कुछ करते हैं। तो यार अभी जस्ट यहाँ पे हमने एक बहुत अच्छी प्लेस डिस्कवर की है, मतलब ऑलरेडी की बट अभी पता चल रहा है। फ़ोटो वॉक में पहले भी आ चुके हैं एंड बट ये पहली बार देखा है पुरानी हवेली, एक गली में घुस के हैं यहाँ पे जहाँ पे जलेबी मिलती है ना फेमस, एंड एक बार हवेली देखो यार, पूरी वाइब्स आएगी पुराने टाइप की। ये देखो मतलब पूरी टूटी वूटी हुई है एंड ऊपर पुराने ज़माने टाइप के घर में जैसे रहते थे लोग। एंड गेट देख लो, यहाँ पर भी है पुराने गेट। सो यार यहाँ पर ये देखो पुराने ज़माने का कुछ तो लिखा हुआ है, फार्मासिस्ट ने नंबर तक दिया हुआ है वो तक ऊपर लगा के, देख लेना किसको मन हो तो। तो गाइस दिस इज द नौघरा गली, ये देखो मतलब चांदनी चौक के बीच में ऐसे नौ घर है यहाँ पे, इसलिए इसका नाम है नौघरा गली एंड काफ़ी सुंदर है अचानक से, मतलब बीच में सुंदर सुंदर घर है, रेनोवेटेड टाइप ऑफ। तो यार इस टाइप की पूरी गली है, मैं लिटरली बोल रहा हूँ मतलब बहुत सुंदर गली है। चांदनी चौक में सबसे क्लीनेस्ट जगह मेरे को तो यही लगी अभी तक। सामने ये जैन मंदिर है एंड आगे देखो यार मतलब पूरा मार्बल से बना, इसलिए सुंदर भी लग रहा है। एंड ये बिल्डिंग देखो यार पुराने ज़माने की कितनी अच्छी लग रही है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी शॉप देखी हमने, ऑब्वियसली बट जा नहीं सकते, एंटिक चीज़ें पड़ी, मतलब फ़ोन पड़ा है सामने सामने, बहुत सुंदर लग रहा था ये देखो। एंड टूरिस्ट भी आए हैं यहाँ पर देखने देखो। तो गाइस दिस इज़ द फेमस पराठे वाली गली, हम लोग अंदर से आए हैं तो इसका ये देखो ये शॉप है। आई वुड प्रिफर, मैं बताता हूँ कहाँ पे खा सकते हो आप लोग, यहाँ से एकदम जो सीधे है ना शॉप, वहाँ पे खाने का ट्राई करो, वहाँ की मैंने खाई है, काफ़ी बेटर होता है पराठा। और वैसे सच बताओ तो यार ये ओवररेटेड है पराठे वाली गली पूरी मेरे लिए तो, इससे अच्छा यहाँ पे काके दी हट्टी है एकदम एंड में जाके, वहाँ से ट्राई करो नान है अपना ये सब्जी, काफ़ी सही होती है।
यार काके दी हट्टी आ गए हैं खाना पीना करने, इसके बाद वी विल कंटिन्यू अगेन। चार्जर के एम्बेसडर, वन प्लस के एम्बेसडर सीधा। गाइस टुडे इज़ द नेक्स्ट डे एंड यार आज अपन लोग जाने वाले हैं बहुत मस्त मूवी देखने, मतलब वो तो रिव्यूज़ तो मतलब मिक्स्ड ही है, उसके ब्रह्मास्त्र देखने जाने वाले हैं। एंड आज है 23rd of September एंड आज के दिन ही मतलब कुछ पिछले पहले न्यूज़ आई थी कि 16th को होने वाला है, बट अब वो शिफ्ट हो गया था एक हफ्ते के लिए। एंड 23rd को आज हर आईनॉक्स इन सब में आपको टिकट 75 की मिल रही है, तो हमने इसलिए बुक कर ली। एंड कॉलेज के बहुत पास में ही है थिएटर, तो हम लोग चले जाएंगे, शाम का 5 बजे का शो है। तो लेट्स सी, दोस्त भी होंगे, मैं रिव्यू भी दे दूंगा मेरे को कैसे लगी। मैं वैसे बहुत बड़ा फ़ैन हूँ गानों का, मतलब ब्रह्मास्त्र के गाने मेरे को बहुत अच्छे लगे, 3 गाने हैं मैंने जो अच्छे से सुने हैं, वो मेरे फेवरेट हैं। तो लेट्स सी मूवी कैसी लगती है, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। फिलहाल अभी कॉलेज पहुँचूँगा एंड कॉलेज का कुछ ना कुछ तो होगा, दिखा देंगे। कितने का है? युवराज का बर्थडे है यार, पकड़े रखूं इसको? देखो मेरे पास माचिस नहीं है इसलिए ये ऐसे पकड़ के रखा है, ज्यादा भी नहीं, ज्यादा भी नहीं, इतना भी नहीं, ब्लैक एंड ब्लैक हो जाएगा। बाद में खींच लेना, SM का खींच लेते हैं। 1 2 3 ये वाली, अब मैं कौन सा बैठ गया, कोई नहीं कोई नहीं। तो बस यार हम लोग पहुंच चुके हैं अपना M2K सिनेमा रोहिणी में, मेरे साथ है सौम्या, SM एंड तान्या। तो बस अभी मूवी देखते हैं, रिव्यू देंगे आपको ये रही ब्रह्मास्त्र। मेरे को अभी पता चला इसमें शाहरुख खान भी है, मतलब कैमियो है, लेट्स सी जैसा होगा। सो गाइज बस अब मूवी देख के पूरा आ चुका हूँ मैं एंड अभी फिलहाल मैं शकुरपुर मेट्रो स्टेशन में बैठा हूँ, वेटिंग फॉर माई मेट्रो। एंड यार मूवी कैसी थी, सबसे पहले तो मैं बता दूँ ब्रह्मास्त्र मेरे लिए तो बहुत अच्छी मूवी थी। लाइक डायलॉग सच में थोड़े थोड़े क्रिंजी तो थे, बट ओवरऑल बोला जाए तो मेरे को तो बहुत अच्छी लगी मूवी एंड आई एम एक्साइटेड फॉर द सेकेंड पार्ट। एंड मेरे हिसाब से आप लोग को भी अच्छी लगनी चाहिए हर चीज़, क्योंकि ओवरऑल देखा जाता है यार डायलॉग्स ऐसे हैं बट एक्टिंग वॉज गुड, मतलब मोनी रॉय की, शाहरुख खान की, अमिताभ बच्चन की कितनी अच्छी एक्टिंग थी। एंड आलिया भट्ट वॉज ऑल्सो गुड, रणबीर कपूर भी गुड ही था, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। मेरे हिसाब से मतलब 8.5 तो दूंगा मैं आउट ऑफ 10 इस मूवी को।